नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल पुलुंगवा नागालैंड की बात करेंगे। तो जितने भी पेरेंट्स हमारे स्टूडेंट जो नागालैंड से बिलोंग करते हैं, जो स्टेट कैपिटल कोहिमा से बिलोंग करते हैं और यहाँ की जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है दीमापुर, जो भी लोग सैनिक स्कूल पुलुंगवा नागालैंड से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो जितने भी लोग नागालैंड से हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है सैनिक स्कूल से रिलेटेड, 7419992928 पर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, सैनिक स्कूल नागालैंड के बारे में सारी जानकारी लेंगे। इसके अलावा एग्जाम सेंटर्स क्या क्या हैं, एज क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या क्या है, फॉर्म की फीस कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके अलावा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में स्कॉलरशिप अमाउंट जो पेरेंट्स को दिया जाता है। सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सैनिक स्कूल नागालैंड, सैनिक स्कूल पुलुंगवा नागालैंड जो है, मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो जो नागालैंड है वो बहुत ही छोटा स्टेट है और यहाँ पे जो 6th और 9th क्लास में जो सीट्स होती हैं वो बहुत ही, 6th क्लास के लिए जो सीट्स है वो टोटल, अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीट्स की, तो यहाँ पे टोटल 110 सीटें हैं 6th क्लास में और 9th क्लास में सिर्फ 20 सीट्स है। तो जो भी बच्चे 6th क्लास के फॉर्म भरना चाहते हैं 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और जो बच्चे 9th क्लास के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो हमने क्या डिस्कस किया एज क्राइटेरिया के बारे में। अब आपको मैं बता दूं, क्लास 6th में और क्लास 9th में सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है और हर साल जनवरी में एग्जाम होता है। 3 जनवरी 2021 में संडे को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और जो फॉर्म है वो अगस्त और सितंबर में हर साल ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। अगर हम लोग बात करें एग्जाम सेंटर की, तो सैनिक स्कूल पुलुंगवा नागालैंड में जो एग्जाम सेंटर है दीमापुर, तो 6th क्लास के लिए जो एग्जाम सेंटर है दीमापुर, स्टेट कैपिटल आपका कोहिमा, मौन, इसके अलावा ट्यूसांग और लास्ट में आता है आपका सैनिक स्कूल पुलुंगवा। तो ये आपके एग्जाम सेंटर है 6th क्लास के लिए। और अगर हम लोग 9th क्लास की बात करें तो ट्यूसांग और सैनिक स्कूल पुलुंगवा ये दो एग्जाम सेंटर है। 9th क्लास में एग्जाम सेंटर सिर्फ दो क्यों है, क्योंकि सीट्स बहुत कम है, तो अप्लाई करने वाले जो बच्चे होते हैं वो कंपैरेटिवली 6th क्लास के कम होते हैं, क्योंकि 6th क्लास में सीट्स ज्यादा होती हैं तो बच्चे अप्लाई करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया की, तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया में जो 15% सीट्स होती हैं वो आपकी रिजर्व होती हैं एससी वालों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। 7% जो सीट्स हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी वालों के लिए रिजर्व होती हैं। 67% जो सीट्स हैं वो नागालैंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए रिजर्व होती हैं, जो स्टेट कैपिटल, जो स्टेट, जो नागालैंड स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए होती है। और 33% जो सीट्स होती है वो अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज के बच्चे हैं उनको 33% कोटा दिया जाता है। और बात करें तो 25% जो सीट्स होती हैं वो आपके डिफेंस पर्सन के लिए होती है, जो आर्मी वाले होते हैं, एक्स सर्विसमैन वाले होते हैं, डिफेंस वाले होते हैं, उनके लिए रिजर्व होती है। जो एयरफोर्स में है, नेवी में है, उनके लिए रिजर्व होती है। अब बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म की, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो आपका 400 रुपये लगता है जनरल और डिफेंस वालों का, जबकि एससी एसटी वालों का 250 रुपये लगता है। मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है सैनिक स्कूल पुलुंगवा नागालैंड से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूँ, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सैनिक स्कूल की वेबसाइट, अगर आप जानना चाहते हैं तो www.sainikschoolpulungwa.nic.in पर जाकर के आप कोई भी जानकारी, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। 6th क्लास का जो पेपर होता है वो 300 नंबर का पेपर आता है और आपको कम से कम 220, 230 नंबर, 240 नंबर, 220 से 240 नंबर के बीच में आपको मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता है। 2.5 घंटे का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इसमें आपका 50 नंबर का मैथ्स आता है, 25 नंबर का जीके, 25 नंबर का लैंग्वेज यानी इंग्लिश और 25 नंबर का आपका रीजनिंग का पेपर आता है। बात करते हैं 9th क्लास की, तो 9th क्लास में जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है और 400 नंबर का पेपर कंडक्ट किया जाता है।
जिसमें 50 नंबर का मैथ, 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का जीके और 25 नंबर का सोशल और 25 नंबर का आपका रीजनिंग का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स में 25% इन ईच सब्जेक्ट, यानी हर बच्चे को कम से कम 25 मार्क्स लेने हैं और 40% जो है वो ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए, 40%। तो ऐसे बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अलावा मीडियम ऑफ एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो जो 9th क्लास का पेपर होता है वो सिर्फ इंग्लिश भाषा में होता है, लेकिन जो 6th क्लास का पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और सैनिक स्कूल पुलुंगवा का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप की अगर हम लोग बात करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप उन बच्चों को दिया जाता है जिनके पेरेंट्स की मंथली इनकम 12,000 रुपए से कम होती है। उनको 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है, डिपेंड अपॉन कि फैमिली की जो मंथली इनकम है वो कितनी है। इसके अलावा जो डिफेंस पर्सन है, जो जेसीओ कैटेगरी से नीचे गए हैं, उनको 32,000 रुपए का स्कॉलरशिप, और जो पेरेंट्स जेसीओ कैटेगरी में आते हैं या ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं उनको सिर्फ 16,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके अलावा और भी अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप दिए जाते हैं जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। आपको इस वीडियो को क्या करना है, जितने भी लोग नागालैंड से बिलोंग करते हैं, कोहिमा से बिलोंग करते हैं, जितने भी लोग जो लार्जेस्ट सिटी है दीमापुर से बिलोंग करते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप पे इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग मौन से बिलोंग करते हैं, त्यूसांग से बिलोंग करते हैं, पुलुंगवा से बिलोंग करते हैं, उन पेरेंट्स को इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ताकि लोगों को सैनिक स्कूल पुलुंगवा के बारे में जानकारी मिले। और अगर आपको कोई हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 03-8392-62010 पे कॉल करके आप कोई भी जानकारी सैनिक स्कूल पुलुंगवा नागालैंड से रिलेटेड आप ले सकते हैं। 7419-99928 पर कॉल करके आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल की तैयारी करवाइए अंबाला कैंट हरियाणा से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।